أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Dear students, today our topic is effects of industrial pollution. यानी कौन कौन से effects of industrial pollution हैं. नंबर वन, वाटर पोल्यूशन, यानी इंडस्ट्रियल पोल्यूशन जो है इससे यानी पोल्यूट होता है हमारा वाटर. द इफेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल पोल्यूशन आर फॉर रीचिंग एंड लाइबल टू इफेक्ट द इकोसिस्टम फॉर मेनी ईयर्स टू कम. Most industries require large amounts of water for their work. When involved in a series of processes, the water comes into contact with heavy metals, harmful chemicals, radioactivity, waste, and even organic sludge. Yani, hum dekhte hain ki industries jo hain इनका इफ़ेक्ट जो है वो वाटर पे भी पड़ता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री जो हैं वहाँ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर की ज़रूरत होती है. और ये इन्वॉल्व होता है सीरीज ऑफ प्रोसेसेस में, यानी ये वाटर जो है ये कंटैक्ट रहता है इसका यानी हैवी मेटल्स के साथ, हार्मफुल केमिकल्स के साथ, रेडियो एक्टिव वेस्ट के साथ, और इसी तरह से ऑर्गेनिक स्लज के साथ. दीज आर इवन डंपड इनटू ओपन ओशनस और रिवर्स. यानी ये वेस्ट्स जो निकलते हैं इंडस्ट्रीज से, यानी ये कहाँ डंप किए जाते हैं, ओपन ओशनस के अंदर या रिवर्स के अंदर. एज ए रिजल्ट many of our sources have a high amount of industrial waste in them, which seriously impacts the health of our ecosystem. yani result kya iska rehta hai, yani jo hamare sources hain in mein high amount hota hai industrial waste ka, aur iska impact jo hai वो हमारे इकोसिस्टम पे पड़ता है. द सेम वाटर इज देन यूज्ड बाय फार्मर्स फॉर इरिगेशन पर्पसेस, विच अफेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ फूड दैट इज प्रोड्यूस्ड. यानी यही वाटर जो है फिर इसको यूज करते हैं फार्मर्स, किसके लिए, यानी एग्रीकल्चर पर्पस के लिए. और इसका इफ़ेक्ट रहता है क्वालिटी ऑफ फूड पे, क्योंकि जो फूड प्रोड्यूस किया जाता है. दूसरा जो इफ़ेक्ट है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन का है वो है एयर पोल्यूशन, यानी इससे एयर पोल्यूट होती है. इट इज़ कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रोपोर्शन ऑफ अनडिजायरेबल गैसेस सच एज सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोक्साइड, आयर बोर्न पार्टिकुलेट मटीरियल्स कंटेन बोथ सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल्स. यानी सॉलिड पार्टिकल्स भी होते हैं, लिक्विड पार्टिकल्स भी होते हैं, लाइक डस्ट है, स्प्रे मिस्ट एंड स्मोक. स्मोक इज इमिटेड बाय द केमिकल एंड पेपर फैक्ट्रीज, यानी केमिकल और पेपर फैक्ट्रीज से निकलता है. ब्रिक्स किल्न्स, इसी तरह से रिफाइनरीज हैं, स्मेल्टिंग प्लांट्स हैं, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स है इन बिग एंड स्मॉल फैक्ट्रीज दैट इग्नोर पोल्यूशन नॉर्म्स. यानी वहाँ पे नज़रअंदाज किया जाता है, इग्नोर किया जाता है पोल्यूशन नॉर्म्स. एयर पोल्यूशन एडवर्सली अफेक्ट्स ह्यूमन हेल्थ, इसका एडवर्स इफेक्ट पड़ता है ह्यूमन वेल्थ पे, एनिमल्स पे, प्लांट्स पे, और जो हमारा एटमॉस्फियर है यानी उस पर भी इसका इफेक्ट पड़ता है.
नंबर थर्ड इज थर्मल पोल्यूशन। थर्मल पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन ऑफ वाटर अकर्स व्हेन हॉट वाटर फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड थर्मल प्लांट्स इज ड्रेनड इन टू रिवर्स, यानी जब हम रिवर्स में ये डालते हैं, एंड पाउंड्स, पाउंड्स के अंदर बिफोर कूलिंग यानी सर्द होने से पहले। वेस्ट्स फ्रॉम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, यानी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स से जो वेस्ट्स निकलते हैं, न्यूक्लियर एंड वेपन्स प्रोडक्शन यानी उनके प्रोडक्शन से फैसिलिटीज कॉज कैंसर्स, इससे कैंसर होता है, बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं, एंड मिसकैरेज, डंपिंग ऑफ वेस्ट स्पेशली गिलास, हार्मफुल केमिकल्स, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, पैकिंग सॉल्ट्स एंड गार्बेज रेंडर्स द सॉयल यूजलेस, यानी जो ये चीज़ें हम डंप करते हैं, यानी वेस्ट जिसमें गिलास होता है, हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स होते हैं, पैकिंग ऑफ सॉल्ट्स होते हैं, गार्बेज रेंडर्स होते हैं, ये हमारी सॉइल को यूजलेस बनाती है, यानी इससे ये पोल्यूट होती है। देन फोर्थ वन इज नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन, नॉइज नॉट ओनली रिजल्ट्स इन इरिटेशन एंड एंगर, इट कैन आल्सो काज हियरिंग इम्पेयरमेंट, यानी सुनने में भी हमें प्रॉब्लम होती है, इंक्रीज्ड हार्ट रेट, यानी हार्ट रेट इससे बढ़ती है, एंड ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, अमंग अमंग अदर साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स। नॉइज पोल्यूशन रिजल्ट्स फ्रॉम इंडस्ट्रियल एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, ये नॉइज पोल्यूशन कहाँ से निकलती है, यानी जिस वक्त इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शंस होती हैं, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ होती हैं, मशीनरी की वजह से, फैक्ट्री इक्विपमेंट्स की वजह से, जो फैक्ट्रीज के अंदर जनरेट चलते हैं, हुज हाई डिसेबल लेवल अफेक्ट्स द नियर बाय एरियाज, और ये मशीनरी जो, ये जनरेटर्स जो इन इंडस्ट्री के अंदर चलते हैं, यानी इनका डायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है नियर बाय एरियाज पे, यानी जहाँ पे ये इंडस्ट्रीज, ये फैक्ट्रीज जहाँ पे इस्टेब्लिश हुई होती हैं, वहाँ के जो सराउंडिंग एरियाज हैं उन पर इसका यानी डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। थैंक यू।